नमस्ते, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है। आप सब देख रहे हैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा उन लोगों की बात करते हैं जो लोग पूर्वांचल का मान और सम्मान देश दुनिया में बढ़ाते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं विक्की यादव, जो गोरखपुर से निकलकर देश दुनिया में गोरखपुर की धूम मचा रहे हैं और डिजिटल एनर्जी के साथ डिजिटल इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। तो चलिए विक्की यादव से बात करते हैं, क्या कुछ करते हैं। सबसे पहले तो विक्की जी, आपका स्वागत है। नमस्कार विक्की जी। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आपका काम क्या था, कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि डिजिटल एनर्जी से आप छाए हुए हैं, तो क्या होता है? बहुत लोग नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। हम लोगों का काम होता है कि जो भी कलाकार हैं भोजपुरी से और हिंदी से भी हैं जो भी लोग, लेकिन हम लोग का मैक्सिमम काम भोजपुरी इंडस्ट्री का ही है। जी जी। तो सिंगर गाना गाते हैं, राइटर गाना लिखते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं जी। तो सारा कुछ होने के बाद फिर हम लोगों के पास आता है। अच्छा। उसको रिलीज करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। रिलीज और प्रमोशन का आपका काम होता है। कितने चैनल को आप देखते हैं भोजपुरी में? 1000 से ज़्यादा चैनल। 1000 से ज़्यादा चैनल, तो यानी कहीं ना कहीं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पे आप कब्जा जमा लिए हैं। और भी लोग हैं, सब लोग। अच्छा, और भी लोग हैं। तो शुरुआत कैसे हुई, ताकि मुंबई शहर जो है, हमारे गोरखपुर का युवा जब मुंबई के लिए सोचता है तो उसके मन में डर आता है, कि मुंबई नाम सुन के डरता है कि मुंबई कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। आप शुरुआत में जब मुंबई गए तो क्या करने गए थे और अब क्या कर रहे हैं? मैं मुंबई 2011 में गया था जी, नवंबर में गया था। तो उस टाइम मैं MBA करने के लिए गया था। अच्छा। तो लेकिन दिमाग में ये भी था कि मुझे इंडस्ट्री में कुछ करना है। कुछ करना है, क्या तो करना था? करना मुझे था एक्टर बनना था। हाँ। तो जब मैंने MBA कंप्लीट किया तो उस टाइम छोटा छोटा सीरियल, जो हिंदी सीरियल आते थे DD1 के या फिर और भी जो भी TV चैनल हैं, तो उसमें मैं छोटा छोटा काम किया था। लेकिन उससे क्या होता था कि इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि अपने वहाँ पे रहने का खर्चा निकले, सर्वाइव कर सके आप चीज़ों। हाँ, या फिर उसमें से घर भेज पाए। तो फिर ऐसे मौका मिला मुझे डिजिटल में काम करने का। हाँ। तो एक है गोरखपुर के ही हैं, लिरिक्स राइटर आज़ाद भैया। अच्छा अच्छा। तो इंडस्ट्री में सबसे पहले मैंने उनका चैनल बनाया, उनका काम किया तो रिस्पांस अच्छा आया। रिस्पांस अच्छा आया। हाँ। तो उसके बाद धीरे 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 लोग जुड़ते गए। अच्छा, कारोबार बढ़ता गया। हाँ। उसके बाद मैं इसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि एक्टिंग को भूल ही गए। एक्टिंग भूल गए और आपने अभी इसको ही अपना प्रोफेशन बना लिया। हाँ। है तो क्या अब फ्यूचर में प्लान है, विक्की यादव फिर हीरो बन कर आएंगे? हाँ, हीरो बनने से पहले मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से सोचता हूँ, जिस तरह की फिल्में बनाना जी जी, तो उसमें अगर मैं किसी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ करता हूँ तो पता नहीं मेरा बात मानेगा या अंडरस्टैंडिंग जो होती है। तो मैं पहले प्रोड्यूस करूँगा कुछ फिल्में, प्रोड्यूस करने के बाद फिर अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे एक्टिंग करना चाहिए तो मैं जरूर करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्च महोत्सव का। ये मार्च महोत्सव 6 फरवरी को आप करा रहे हैं, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री, एक तरह से पूरी इंडस्ट्री आ रही है। ये आयोजन करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो ये है कि अभी तक मुंबई में या फिर बाहर विदेश में भी बहुत सारे अवार्ड शो होते रहते हैं। इंडस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, विकास भैया हैं, अभय सिन्हा जी हैं, वो लोग कराते हैं। विनोद गुप्ता जी ने स्टार्ट किया था भोजपुरी अवार्ड शो बहुत पहले जी जी। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भोजपुरी एल्बम, जो छोटे कलाकार एल्बम, हैं, हाँ, एल्बम के माध्यम से जो भी कलाकार हैं जी जी, उनको कोई पहचान नहीं मिल पा रहा है जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एल्बम के माध्यम से अपना नाम बनाए हैं जी। और भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर जो भी हीरो बने हैं, सब लोग एल्बम से ही हीरो बने। हाँ, हाँ, उद्देश्य मेरा यही था कि जितने भी आज सुपर स्टार हैं तो मैक्सिमम लोग एल्बम के ही माध्यम से बने, जैसे खेसारी भैया हो गए, दिनेश भैया, पवन भैया, सारे लोग एल्बम के माध्यम से पहचान बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एल्बम को वो चीज़ नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए। और जब भी अश्लीलता का बात आता है तो का नाम सबसे पहले एल्बम का नाम आता है कि एल्बम वाले बंद कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो हमने सोचा कि एक बार अगर सम्मान देने का काम किया जाए जो एल्बम में अच्छा काम करने वाले हैं, तो जो गंदा काम करने वाले हैं ऑटोमेटिक वो लोग पीछे हट जाएंगे। ऐसे बोलने से कि आप लोग मत कीजिए तो उन लोग पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जी, जी, जी। अगर अच्छे काम करने वालों का सराहना किया जाए तो बुरे काम वाले हाँ। काम करने वाले वैसे ही पीछे हट जाते जी, जी। तो मेरा यही उद्देश्य था कि हम लोग करें तो जिसमें मतलब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री और जितने भी बड़े लोग हैं सब। 6 फरवरी का इसका आयोजन होना है। कौन कौन थे सुपर स्टार, कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं? बात तो मेरा सबसे हुआ, सबको निमंत्रण दिया गया है, तो उसमें से देखते हैं कि अगर कोई बहुत बिजी रहा तो नहीं आ पाएगा जी, जी। लेकिन सारे लोग आएंगे, लगभग सारे। एक दो नाम बता दीजिए जो मेरे मेरे भैया खेसारी भैया आएंगे, रितेश भैया आएंगे। अच्छा। कल्लू जी आएंगे, समर भी आएंगे,
और पवन जी और दिनेश जी का बात चल रहा है, बात हो गया है, लेकिन अभी वो लोग कंफर्म नहीं किए हैं क्योंकि उन लोग का कुछ शूटिंग का काम है, तो उन्होंने बोला कि मैं कंफर्म करके आपको बताऊं। गोरखपुर के पॉलिटिकल लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? अभी तो मैं पॉलिटिकल लेवल लोगों से मिला नहीं। अच्छा। लेकिन उन लोग का भी है जिनसे भी बात हुआ मेरा, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम गोरखपुर के कलाकारों की बात करूँ तो अब जो है आप डिजिटल इंडस्ट्री में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो गोरखपुर के जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनके लिए क्या सोचते हैं? मैं क्षेत्रीय कलाकारों के लिए भी बहुत सारी प्लानिंग करके रखा हूँ, जैसे यहाँ पे भी जो भी मुंबई से और बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्षेत्रीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा। हाँ, जो भी अच्छा गाने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, तो उनको भी इस मंच के माध्यम से सबके सामने लाया जाएगा। हमारे दर्शकों को और गोरखपुर के लोगों को एक खास संदेश क्या देंगे लास्ट में आप? संदेश यही है कि जो भी अच्छा काम करने वाले हैं उनका सराहना किया जाए और उनका सपोर्ट किया जाए, जिससे अच्छा काम करने वालों की संख्या बढ़े। तो ये विक्की यादव थे, और एक कहावत है कि जो हालात से लड़ता है वही हालात को बदलता है, तो कहीं ना कहीं ये कहानी इनके ऊपर फिट बैठती है। और विक्की यादव ने अपने आप को इस्टेब्लिश करके यह बताया कि हाँ, टैलेंट की कदर हो ना हो, टैलेंट आगे बढ़ जाएगा। टीम गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए विष्णु प्रभाकर, जय हिंद।